शहर के कारोबारी बिल्डर प्रफुल्ल गार्गी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया। इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस इंदौर से भूमाफिया संतोष उर्फ संदीप यादव को गिरफ्तार कर नागपुर लाई है। ऐसी जानकारी आर्थिक विभाग के पुलिस निरीक्षक विजय मालचे द्वारा दी गई। आरोपी संतोष उर्फ संदीप यादव को इंदौर के नंदा नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने उसे 6 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस गार्गी के फरार मैनेजर मुजुमदार की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार शहर के वात्सल्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक प्रफुल्ल गार्गी की मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 500 एकड़ जमीन है। उन्होंने इस पर लेआउट डालकर बेचने का कार्य शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने अपने मैनेजर मुजुमदार को इंदौर भेजा था। मुजुमदार ने इंदौर के भूमाफिया संतोष यादव के साथ साठ गांठ कर इंदौर में बंधन बैंक में गार्गी की कंपनी के नाम पर फर्जी खाता खोला और संदीप खुद कंपनी का डायरेक्टर बनकर प्लॉट बेचने लगा। इसमें मुजुमदार ने भी उसका साथ दिया। मुजुमदार करीब 1,36,00,000 रुपए प्लॉट बेचकर ऐड चुका था। इस बारे में कंपनी को पता चलने पर धंतोली थाने में शिकायत की गई। मामला क्राइम ब्रांच के आर्थिक विंग के पास जांच के लिए पहुंचा। मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय मालचे ने शुरू की और बुधवार को इंदौर के नंदानगर से भूमाफिया संतोष यादव को गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया। इंदौर मध्ये आम्ही एक आरोपी आणलेला आहे संदीप यादव म्हणून, त्या एका केसच्या संदर्भात धंतोली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे। 105 नंबरचा तर 420 गुन्हा दाखल आहे। यातले जे फिर्यादी आहेत प्रफुल्ल गाडगे यांची फर्म आहे वात्सल्य बिल्डर्स म्हणून। ह्या फर्ममध्ये मानवेंद्र मुजुमदार हा त्यांचा मॅनेजर म्हणून नोकर काम करत होता। ॲज अ डेव्हलपर म्हणून ते काम करतात। त्यांचा प्लॉट विक्रीचा व्यवसाय आहे। तर यातली फिर्यादी जी आहे प्रफुल्ल गाडगे यांची इंदूरमध्ये सुद्धा प्रॉपर्टी 1,400 ते 500 एकर जमीन आहे। त्या ठिकाणी वेगवेगळे विंग्स त्यांनी तयार केले आहेत आणि प्रेस्टिज 1-5 असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट त्यांनी तयार केले आहेत आणि त्या ठिकाणी व्यवसाय चालू आहे त्यांचा प्लॉटचा। तर कंपनीचं काम सुकर व्हावा म्हणून फिर्यादी यांनी मानवेंद्र मुजुमदार यांना इंदूरला पाठवलं की जे ग्राहकांना जे प्लॉट विक्री केले जातात त्यावर मालकाची सही असते विक्रीपत्रावर, ते निबंधक कार्यालयात प्रस्तुत करून रजिस्ट्रेशन करून घ्यावी यासाठी त्यांना पारपाटण देण्यात आली। परंतु मानवेंद्र मुजुमदार यांनी कंपनीच्या नागपूरच्या कार्यालयामधून काही स्टॅम्प पेपर्स आणि कंपनीचे लेटर हेड्स, गाडगे साहेबांचे आधार कार्ड वगैरे हे चोरी करून त्या ठिकाणी गेले। त्यांनी त्या ठिकाणी फ्रॉडोलंट डॉक्युमेंट तयार केलेत आणि त्या ठिकाणी कंपनीच्या नावाने फेक अकाउंट ओपन केला आणि ग्राहकांना विक्री केलेले पैसे ते स्वतःच्या अकाउंटमध्ये वळती करत होते। त्यांनी जवळजवळ 1,36,00,000 घोटाळा केलेला आहे। जांच अधिकारी मालचे के अनुसार वात्सल्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की कंपनी का मुख्य कार्यालय धंतोली में है। कंपनी के मुख्य बैंक खाते नागपुर की बैंक में है। इस कंपनी के बैंक खाते से अपनी ही कंपनी के बैंक खाते में जब 10,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए तो सभी हैरत में पड़ गए। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वह रकम बंधन बैंक से प्रफुल्ल गार्गी की असली कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जो उनकी कंपनी के नाम पर बंधन बैंक में फर्जी खाता खोला गया था। तब इस मामले का खुलासा हुआ। आरोपी मैनेजर इंदौर जाते समय जमीन से जुड़े स्टैंप पेपर चुरा ले गया था। उसने संदीप के साथ मिलकर उसे स्टैंप पेपर की जाली दस्तावेज बनाए और उस पर गार्गी के फर्जी हस्ताक्षर कर इंदौर में लेआउट पर प्लॉट डालकर बेचना शुरू कर दिया। दोनों आरोपी करीब 1 साल से यह काम कर रहे थे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।